वेलकम माई चैनल माई लाइफ साइडो। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए कैंड्राम्स की वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ मैं टेलकम पाउडर। स्किन को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है तो यहाँ मैं टेलकम पाउडर अच्छी सी मात्रा में लगा रही हूँ। आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है कि अपनी डायरेक्शन को चेक करना है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, डायरेक्शन चेक करके बैक सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ डायरेक्शन नीचे की साइड थी आदि, तो हमने नीचे की साइड में बैक्स को अप्लाई कर दिया है। तो दूसरी बात ये होती है कि आपको अपनी जो बैक स्ट्रिप है उसको चेक करना है। जिधर थोड़े मोटे होल होते हैं उधर की साइड से आपको बैक स्ट्रिप को लगाना है और अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आप प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद में जो स्ट्रिप है उसको अच्छे से आधी फोल्ड कर लीजिए, जिससे कि खींचने में मुश्किल ना हो। और एक झटके में स्किन टाइट करके इसको एक ही झटके में खींच दीजिए, जैसे मैंने अभी किया। तो सेम अब दूसरी बार भी ऐसे ही करना है। पाउडर दोबारा से लगा लीजिए क्योंकि बरसात का मौसम है। ये मैंने बरसात के मौसम में पैक्स कर रही हूँ और आज वैसे भी बहुत सारी बारिश हुई थी। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो पॉसिबल ही नहीं होता पैक्स करना। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड में वैक्स लगा ली है और इस स्ट्रिप को नीचे की साइड में इस तरह से रखेंगे कि जो वो नीचे की साइड में खींची जा सके, जैसे मैंने अभी रखा है। तो अच्छे से प्रेस करके हम इसे भी यहाँ ऐसे ही खींच देंगे। तो एक ही झटके में आपको खींचना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो बरसात के मौसम में जो प्रोसेस पूरा प्रोसेस होता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे उसे किया है, उसे फॉलो करके। ये मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ कैसे बैक्स किए और मैं आपको जो प्रोसेस मैंने इस अंडरआर्म्स की साइड पे किया है वो दूसरी साइड पे नहीं किया है। सिर्फ ये बताने की, आप लोगों को फ़र्क बताने के लिए कि बरसात के मौसम में वैक्स करना कितना मुश्किल है। जैसे प्रोसेस मैंने किया है इधर वैक्स, ये बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर आप करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको दूसरे अंडरआर्म्स में बताऊँगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ छोटे छोटे अभी बरसात के मौसम में पूरे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि इस टाइम पे मेरे पार्लर में एसी नहीं है। अगर आपके पार्लर में एसी है तो ये पॉसिबल है, आप पूरे हेयर को निकाल सकते हैं क्योंकि उससे पूरा ठंडा हो जाता है, जो भी टेम्परेचर होता है वो पूरा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने जो बैक्स लगाया उसके बाद दोबारा से पाउडर लगाया है, जिससे कि हमारी जो छोटे छोटे हेयर हैं वो भी अच्छे से निकल सकें। और उसके बाद में आप दोबारा से बैक्स को अप्लाई कर दीजिए और इस तरह से स्ट्रिप लगा के खींच दीजिए, तो आपके जो छोटे छोटे हेयर हैं वो भी निकल जाएंगे और इससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इधर मैंने क्या किया था, ये हम अभी इसके बाद में हम क्लीन कर देंगे टिश्यू से, जिससे कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको इतने जितने हम इसको क्लीन करेंगे इतना मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था यहाँ पे। यहाँ अब मैंने कोई आइस नहीं लगाया, कोई एसी नहीं है, सिर्फ फैन चलाया हुआ है और बारिश भी इतनी हो रही है आज बहुत ज़्यादा। तो इस मौसम में वैक्सिंग ज़रूरी नहीं, मतलब इस मौसम में वैक्स होती नहीं है। मेरे क्लाइंट ने भी बोला था कि मैं 3-4 जगह और पूछ के आई हूँ, लोगों ने मुझे मना कर दिया वैक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ मैंने सिर्फ ठंडे पानी से इसको क्लीन किया था टिशू को गीला करके। इधर देखिए, इधर मैं बताऊँगी, इधर मैंने प्रोसेस नहीं किया वो वाला। तो उधर उस वाले में मैंने क्या किया था, टेल वो जो था मेरा टिशू पेपर जो था उसको ठंडे पानी में डिप करके निचोड़ के उसको जगह को ठंडा कर करके उसके बाद मैंने बैक सप्लाई किया, तो बहुत अच्छे से हो गया था। और वो वाला प्रोसेस मैंने इधर नहीं किया है, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होगी आपको बैक्स करने में अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही बैक्स करते हैं। मेरे क्लाइंट में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति थी तो वो मान चुकी थी इस चीज़ के लिए कि आप जैसा चाहें बना सकती हैं, क्योंकि कोशिश मैंने अच्छी ही की थी कि उनको ज़्यादा पेन ना हो। लेकिन पेन तो होता ही है, जिस तरह से इतनी हैवी ग्रोथ थी
और ऊपर से क्या कहते हैं, इस तरह से वैक्स करना, अगर एक बार में आपके हेयर ना निकले दोबारा से बार बार अप्लाई करना पड़े उसी जगह पे, तो पेन तो होता है, लेकिन कुछ लोगों में सहन शक्ति ज़्यादा होती है तो वो इस चीज़ को एग्री कर जाते हैं। जबकि मुझे पता था कि एक बार में नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत हैवी ग्रोथ थी। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे अपना तरीका वही रखा है सेम जो मैं करती हूँ, लेकिन हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से और मॉइस्चराइजर की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप देखिए, बिल्कुल आधे हेयर निकले हैं, आधे नहीं निकले, और चिपचिपी स्किन हो रही है, और दूसरा यहाँ से जैसे पानी जैसे निकलता है ना, वैसे बन जाती है हमारी बैक्स, थोड़े थोड़े पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको दोबारा क्या करना है, मैंने जैसे अब यहाँ पे क्लीन तो कर नहीं सकती अब मैं अभी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से टेलकम पाउडर लगाएंगे हम, और उसके बाद स्ट्रिप रख के फिर हम खींचेंगे। तो अब मैं आपको जो देन मैंने वो प्रोसेस किया है जो लास्ट पहले वाले अंडरआर्म्स में किया था, मैं उस वो करके आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना आसान रहता है ऐसे करके वैक्स करना, और एक डायरेक्टली जब हम वैक्स करते हैं तो कितना फ़र्क रहता है। आपने देखा कि कितनी मुश्किल से एयर निकले, और प्रॉब्लम भी होती है उस चीज़ से इजीली, जब नहीं होता है काम तो क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होती है और हमें भी होती है, क्योंकि बार बार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, अपने काम को बढ़ाना डायरेक्टली अगर एक ही बार में जो चीज़ हो जाती है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए, मैंने अभी टिशू से ना ठंडे पानी से, मतलब जो मेरा नॉर्मल वाटर था उससे टिशू को गीला करके इसको क्लीन कर लिया और इसको ड्राई कर लिया था, क्लीन करके अच्छे से पानी से बार बार, जिससे कि यहाँ का पूरा पसीना जो भी रहता है या मॉइस्चराइज जैसे भी आता है, चिपचिपापन रहता है बारिश की वजह से, उसको क्लीन करके इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद में हम टैल्कम पाउडर लगाएंगे। तो अब देखेंगे आप इससे कितना इजी और कितना आसान और इतनी अच्छी क्लियरिटी के साथ में आपके हेयर निकल जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, डायरेक्शन जो है कुछ उल्टी सीधी ज़्यादा ही थी यहाँ पे, तो वो आसानी से निकल जाएगा। अगर ज़्यादा उल्टी सीधी डायरेक्शन है तो आपको बैक्स को भी उल्टी सीधी डायरेक्शन में अप्लाई कर देना है, जैसे रफली हम करते हैं उस तरह से। तो ये डायरेक्शन कुछ ऊपर की साइड थी, तो हम डायरेक्टली मैंने सारे अंडरआर्म्स पे बैक्स लगा के इसको हम नीचे की साइड ही खींच देंगे, तो सारे बाल निकल जाएंगे। ये देखिए, एक ही बार में सारा क्लीन हो चुका है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ को ठंडे पानी से उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे भी पानी ठंडा हो जाता है। तो आप देखिए कितने अच्छे से एक ही बार में क्लीन हो गया। अगर मैं वो नहीं करती टेलकम, सॉरी मेरे मुंह से बार बार टेलकम पाउडर निकल रहा है, तो ये अगर मैं ठंडे पानी से इसको नहीं क्लीन करती टिश्यू लेके, तो ये अभी भी नहीं निकलते। तो आपको कभी भी बैक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सब करके फिर ही बैक्स अप्लाई करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप देखिए दोनों अंडरआर्म्स कितने अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, और आप देख सकें कितनी हैवी ग्रोथ थी। वीडियो में इतनी क्लियर नहीं दिखाई देते हैं जो हेयर की पूरी ग्रोथ होती है, और यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।